बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज जियोडेसिक्स। बेसिकली आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, उसमें उसने ये बात की थी कि जो आपके पास स्पेस टाइम है ना, ये एक कर्व की तरह है और जो पाथ इसमें ऑब्जेक्ट्स किसी भी मैस के फॉलो करते हैं वो जियोडेसिक होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जियोडेसिक क्या है और किस किस तरह की ये हो सकती हैं, और फिर हम इसकी एक इक्वेशन जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, फर्ज करें कि ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स में यहाँ से यहाँ तक जाने का ये फासला भी हो सकता है, ये तरीका भी हो सकता है, और ऐसा पाथ भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे सारा घूम के तो फिर यहाँ तक आए। इन दो पॉइंट्स तक पहुँचने के तीन तरीके के पाथ्स हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये उस वक्त की बात है जब आप लीनियर मोशन में जा रहे हो। अब यही केस अगर आपके पास इस फॉर्म में हो कि एक कर्व बना हुआ है, तो इन केस ऑफ दिस कर्व आप कोई भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना चाहेंगे या फिर आप किसी भी जगह पर मालूम करना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए आपके लिए नेसेसरी होगा कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट क्या होता है? एक 90 डिग्री का एंगल आप उसके साथ ड्रॉ कर देते हैं, और इस पे किसी भी दो शॉर्टेस्ट पॉइंट के दरमियान में ये जो कर्व बनी हुई है, आप इसको लेते हैं आर्क लेंथ की फॉर्म में। तो ये जो आर्क लेंथ है, जब बहुत स्मॉल हो जाती है, डेल्टा एस इज वेरी स्मॉलर, तो उस वक्त जो एक स्ट्रेट पाथ ये अडॉप्ट कर लेती है, उसको फिर हम कहते हैं जियोडेसिक। तो किसी भी कर्व सरफेस पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के दरमियान, वो जियोडेसिक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो आप कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान में फ्लैट स्पेस में डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो इसी तरीके से कर्व पाथ में जब आप इसको लेते हैं, तो दिस बिकम्स जियोडेसिक। अब ये जो जियोडेसिक है, ये आपके पास तीन तरीके की होती है। आपके पास टाइम लाइक भी हो जाती हैं, आपके पास स्पेस लाइक भी हो सकती हैं, और आपके पास नल जियोडेसिक्स भी हो सकती हैं। टाइम लाइक जियोडेसिक कब आती है कि आपके पास, अभी जब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो हम उसमें इस पैरामीटर की बात करेंगे अल्फा की। व्हेन दिस इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ, तो आपके पास व्हेन दिस अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व, देन जियोडेसिक इज कॉल्ड टाइम लाइक। यानी आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान में जो कर्व पाथ है, उसको ज्वाइन करने के लिए जो आप एक मिनिमम लेंथ ड्रॉ करते हैं, जिसको आप जियोडेसिक कह रहे हैं, अगर आपके पास जो पार्टिकल हैं दे आर मूविंग एट वेरी स्लो स्पीड, और यानी आप ये कह सकते हैं कि उनका जो मैस है वो आपके पास बहुत कम हो, और वो लाइट की स्पीड से बहुत स्लो मूव कर रहे हो, तो फिर जो वो पाथ फॉलो करेंगे कर्व के ऊपर, वो आपके पास टाइम लाइक जियोडेसिक्स होंगे। इसलिए क्योंकि आप देखें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए उसको अच्छा खासा टाइम रिक्वायर होगा, और आप उस टाइम को मेजर कर सकेंगे। तो इस किस्म की जो जियोडेसिक्स होती हैं, उसको आप टाइम लाइक जियोडेसिक्स कहते हैं, और इतने जो मैसिव पार्टिकल्स हैं, इनको आप टार्डियंस भी कहते हैं। अब सिमिलरली सेकेंड जो काइंड है आपके पास, वो है स्पेस लाइक जियोडेसिक की। स्पेस लाइक जियोडेसिक कौन सी होती है? जब आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट मूव करती हैं, और उनका जो मैस है वो बहुत कम होता है, तो इतनी ज़्यादा स्पीड में मूव करने वाले पार्टिकल्स जो कवर करते हैं डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कर्व पर बनाते हैं, उसको आप स्पेस लाइक जियोडेसिक कहते हैं। आमतौर पर टैक्यून्स वो पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल जैसे फोटोन है, वो स्पेस टाइम में जो पाथ फॉलो करेगा उसको आप नल जियोडेसिक कहेंगे, क्योंकि बेसिकली हम कहते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइट, और ये इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह भी नहीं है, और ये अट्रैक्ट भी नहीं होता किसी चार्ज पार्टिकल की तरफ, तो इस वजह से जो पाथ ये फॉलो करेगा वो नल जियोडेसिक होगा। आमतौर पर जो मैसलेस पार्टिकल हैं वो सब नल जियोडेसिक्स बनाते हैं, और वो मैसलेस पार्टिकल्स को आप लग्सॉन्स भी कहते हैं। अब हम आते हैं जियोडेसिक इक्वेशन की तरफ। तो ऐसी इक्वेशन जो जियोडेसिक को डिस्क्राइब करती है एक कर्व स्पेस टाइम में, उसको हम जियोडेसिक इक्वेशन कहते हैं। यानी आपने एक स्पेस टाइम में जियोडेसिक की बात की, और आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जिसको हम जियोडेसिक इक्वेशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैरामीटर जो अल्फा है, जिसको हम अफाइन पैरामीटर कह रहे हैं, उसको हम डिराइव करेंगे। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक कर्व पाथ है पी से क्यू तक, तो इसमें कोई पॉइंट पी जो है इस कर्व पर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स म्यू अल्फा के साथ। यानी दिस इज द पॉइंट जहां पर आप कर्व पे शॉर्टेस्ट जियोडेसिक की बात कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं,
इसको आपने पैरामीटराइज किया हुआ है पैरामीटर अल्फा के साथ, जिसको आप अफाइन पैरामीटर कह रहे हैं। एट दिस पॉइंट जो डायरेक्शन है कर्व की, इसको आप डिटरमिन कर सकते हैं कैसे, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करके। हम उस टेंजेंट को नाम दे देते हैं ए का, और ए जो है आपके पास वो बराबर है ए म्यू ई म्यू के, क्योंकि ये आपके पास एक टू डायमेंशन की बात नहीं हो रही है, हम स्पेस में बात कर रहे हैं और स्पेस में कर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपको लाइन कर्व नजर आ रहा है, लेकिन ओरिजिनली जब हम स्पेस में देखते हैं तो बहुत सारी डायमेंशन है, और बहुत सारा डायमेंशन को इकट्ठा एक्सप्लेन करने के लिए हम टेंसर्स का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको टेंसर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो दिस जो है ये आपके पास अल्फा प्लस डी अल्फा कर्व पर ये जो ए वेक्टर है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द डी ए बाई डी अल्फा इज इक्वल टू एफ अल्फा ए। यानी कि हम जो यहाँ पर इस टेंजेंट की बात करें हैं, अगर हम इस टेंजेंट को दो स्मॉल इंटरवल्स में या एक इधर एक पॉइंट बना लें और उसके साथ इस जियोडेसिक को लें, तो तब हमारे पास जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस ए जो आएगा ना, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अफाइन पैरामीटर के हिसाब से ये हमारे पास चेंज हो रहा है, और उसको हमने नाम दे दिया फंक्शन ऑफ अल्फा इंटू ए का। तो इस केस में हम देखते हैं कि इन केस ऑफ जियोडेसिक एब्सोल्यूट वेक्टर विल बी यूज्ड रादर देन एब्सोल्यूट वेक्टर। हम जियोडेसिक एब्सोल्यूट वेक्टर की बात करेंगे सिंपल एब्सोल्यूट वेक्टर की बजाय। ये जो टेंजेंट कर्व है ये हमें जियोडेसिक वेक्टर जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो ये हमने लिया हुआ था ए म्यू दिस ए बाई अल्फा एफ अल्फा ए, इसको हम जियोडेसिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम ए की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, जिसको हमने टेंसर की फॉर्म में लिया हुआ है, ए म्यू की फॉर्म में लिया हुआ है, डे इन डी ए म्यू बाई डी अल्फा इज इक्वल टू एफ अल्फा ए म्यू। अच्छा जी, अब अगर हम इस इक्वेशन को ओपन करते हैं टेंसर्स की फॉर्म में, तो हमारे पास दिस डी ए म्यू बाई डी अल्फा बिकम्स इक्वल टू डी ए म्यू बाई डी अल्फा प्लस ये क्रिस्टोफल सिंबल हमारे पास आता है गैमा म्यू न्यू लैम्डा, और ये यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ए न्यू डी एक्स लैम्डा बाई डी अल्फा। ये इस तरीके से आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ से इस पूरे की जो वैल्यू है ये बराबर है डी ए म्यू ओवर डी अल्फा की। हमने इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है इसकी इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, और ये राइट साइड हमारे पास एज इट इज आ गई है। अब जो टेंजेंट वेक्टर है इट इज रिलेटेड विद द पोजीशन वेक्टर एज डी एक्स बाई डी अल्फा। ये ऊपर हमने यहाँ इसकी बात की थी कि ये जो ए है टेंजेंट वेक्टर, ये बेसिकली यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन है डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ये उसके बराबर है। मतलब कितनी चेंज इन डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो इसको हम क्या देते हैं ए म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू ओवर डी अल्फा। देन हम ए म्यू की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा डी एक्स म्यू ओवर डी अल्फा, और यहाँ पर जब हम पुट करेंगे ए म्यू की जगह पर तो दिस ए न्यू विल बी इक्वल टू डी एक्स म्यू ओवर डी अल्फा आ जाएगा, और फाइनली इस ए म्यू की जगह पे भी डी एक्स म्यू ओवर डी अल्फा आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जब हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो वी गेट डी टू एक्स म्यू ओवर डी अल्फा स्क्वायर प्लस क्रिस्टोफर सिंबल, और उसके बाद हमारे पास ये सारी टर्म्स आ जाती हैं। अब हम अल्फा को चूज करते हैं एज एन अफाइन पैरामीटर फॉर विच एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन हमारे पास कैसी बन जाएगी, हमने अफाइन पैरामीटर के तौर पर अल्फा को चूज किया है, और हमने ये कहा है कि अल्फा एफ अल्फा जो है वो जीरो है, तो हमारे पास डी टू एक्स म्यू ओवर डी अल्फा स्क्वायर प्लस क्रिस्टोफल सिंबल डी एक्स म्यू ओवर डी अल्फा डी एक्स लैम्डा ओवर डी अल्फा बिकम्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई ये कहलाती है जियोडेसिक इक्वेशन। आप ये देखें कि इसमें डबल डेरिवेटिव है, इट इज सम काइंड ऑफ फोर्स, और ये फिर आपके पास जो है वेलोसिटीज की टर्म्स में चीजें आ रही हैं, तो ये आपके पास जियोडेसिक इक्वेशन कहलाती है। ये जनरल रिलेटिविटी में वही रोल प्ले करती है जैसे आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कोई रोल प्ले करती है, जिसमें हम एक्सेलरेशन और प्लस एम ए की फॉर्म में इसको लेते हैं या डी पी बाई डी टी के फॉर्म में लेते हैं। यानी हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव होता है और उसके बाद फिर सिंगल डेरिवेटिव, जिस तरीके से आपने लैग्रांज और कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हैमिल्टोनियन का, ये उस किस्म की एक इक्वेशन है, स्पेसिफिकली ये लैग्रांजियन इक्वेशन की एक फॉर्म है।
यहाँ पर टाइम लाइक पाथ में हम जो फोर वेलोसिटी लेंगे दैट विल बी यू म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू ओवर डी टॉ की फॉर्म में आएगी, तो जियोडेसिक इक्वेशन जो है वो आपके पास इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप स्पेस लाइक फॉर्म में मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम के लिए आपके पास एम पी म्यू इज इक्वल टू एम यू म्यू होगा, और फिर जो जियोडेसिक इक्वेशन है वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये आपके पास एक जियोडेसिक इक्वेशन है बेसिकली, जो हमें फर्दर ये बताएगी कि किस तरीके से जो पाथ्स हैं वो फॉलो करते हैं पार्टिकल्स। और ये जियोडेसिक इक्वेशन जो है इसी की बेस पर हम टाइम लाइक स्पेस लाइक और मैसलेस पार्टिकल्स की जो नल जियोडेसिक है उसकी बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा फैक्टर आएगा, ऐसे मैसेज पार्टिकल्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा मैसिव हैं और जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड में मूव करते हैं, तो फिर वो टाइम लाइक जियोडेसिक की तरह बिहेव करेंगे। और अगर हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स आएंगे जिनकी मैस बहुत कम है और वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास स्पेस लाइक जियोडेसिक की तरह बिहेव करेंगे। और अगर हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स आएंगे दैट आर जस्ट मैसलेस एंड दैट आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, जिनको आप लग्जॉन्स कह रहे हैं, तो वो फिर नल जियोडेसिक आएगा, यानी उसके लिए ये इक्वेशन जो है आपको जीरो रिजल्ट देगी। तो फाइनली दिस इक्वेशन विल टेल यू हाउ टू अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन दिस स्पेस टाइम कर्वेचर। ये आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। स्पेशली इसमें ये जो डी टू एक्स ओवर डी अल्फा है और ये जो सिंगल डेरिवेटिव्स हैं, ये आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे, क्योंकि ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ये हमें कहाँ से मिली है, जस्ट जिस तरीके से आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रांजियन इक्वेशन है, ऐसे ही ये आपके पास उसकी ही एक एनालॉगस है जो कि आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिल रही है, और ये आपको बता रही है कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने वाले हैं।